जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम कॉइन स्विच पे क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल करेंगे, साथ ही इसमें हम केवाईसी करेंगे। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर जाके कॉइन स्विच नाम की एक ऐप डाउनलोड करनी है। दोस्तों ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इसलिए अच्छे से एनालिसिस कर लें हर चीज़ के बारे में और फिर पैसा इन्वेस्ट करें। चलिए हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है, इसको करते हैं हम ओपन। ओपन करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम इसको टिक करके आगे की प्रोसेस करते हैं, और ओटीपी जो आपने नंबर डाला है उस नंबर पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी को हमें यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी आ चुकी है, हमने एंटर भी कर दिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें अपना पिन सेट करना है, जो भी आप पिन बनाना चाहें। कंफर्म पिन करने के बाद, पिन बनाने के बाद एक बार कंफर्म पिन फिर से डालना है। तो ये इसका इंटरफेस ओपन हो चुका है। चलिए हम अनलॉक प्रोफाइल पर क्लिक करके यूज़र वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। बेसिक वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके हम उसमें अपना पैन कार्ड, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल इंटर करते हैं। आपका जो भी हो आप डाल सकते हैं। जैसे ही हम डन करते हैं, सबमिट करने के लिए हमें एक ऑप्शन आएगा। सबमिट हम जैसे ही करेंगे तो हमारी जो जीमेल आईडी हमने इसमें प्रोवाइड की है, उस जीमेल आईडी पे हम ओपन करके अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड हमारा आ चुका है, एंटर करते हैं पासवर्ड, करते हैं नेक्स्ट। सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया, चलिए करते हैं नेक्स्ट। अब हम करेंगे पैन कार्ड वेरिफिकेशन। सेकंड स्टेप में क्लिक करेंगे पैन कार्ड पर। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं किस तरीके से आपको पैन कार्ड की फ़ोटो देनी है। जो आपके मोबाइल में सेफ है वो फ़ोटो नहीं जाएगी, इसमें लाइव फ़ोटो लगेगी, याद रखिए इसका। और आपकी डेट ऑफ बर्थ और भी जो चीज़ें हैं वो पैन कार्ड से मैच करनी चाहिए जो आपने इस ऐप में डाली हुई है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, अलाउ करते हैं इसको। यहाँ से हमने अपना पैन कार्ड फोटो लेके डाल लिए हैं। और माई डॉक्यूमेंट के लिए चलिए हम आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं। आधार कार्ड सेलेक्ट करके हम इसमें आधार कार्ड की फ़ोटो और आधार कार्ड नंबर वगैरह डालते हैं, एंटर करते हैं। चलिए इसमें आधार कार्ड की फ़ोटो लगाते हैं। आधार कार्ड की बैक की फ़ोटो लगाते हैं। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करके इसमें हमें अपनी एक सेल्फी भी डाल ली है जो लाइव लाइव होगी, मतलब आप जो सेव करके रखे होगे वो
उसमें वो नहीं लगेगा, इसमें लगेगा सेव केवल और केवल लाइव लाइव फोटो। इसमें सेल्फी आपको लेके डालनी है। करते हैं सबमिट वेरिफिकेशन। सबमिट वेरिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारे दो जो वेरिफिकेशन है वो सबमिट हो चुके हैं। तीसरा वेरिफिकेशन भी हमारा यानी 100% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमें अपना करना है बैंक अकाउंट इंटर, जिसमें आप अमाउंट विड्रॉल करोगे और जिससे आप अमाउंट निकालोगे। करते हैं वेरीफाई अकाउंट को। जीमेल पे आपके ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। चलिए हमारा सबमिशन केवाईसी सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। पोर्टफोलियो मार्केटिंग प्रोफाइल बहुत से ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। इसके लिए हमें डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद इसमें आप मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हैं और इसके बाद इसमें हमें अमाउंट डाल के क्लिक करके इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे हमें अपना वो नंबर डालना है जिससे हम पेमेंट करना चाहते हैं और मैं इसमें पेमेंट करूँगा मोबीक्विक के थ्रू। नंबर जैसे ही आप लॉगिन करोगे ओटीपी आने के बाद ये सबमिट करना है आपको। देखिए डिपॉजिट अमाउंट हो चुका है, मैंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया है और यूपीआई के थ्रू पेमेंट जैसे ही आप करोगे आपके नंबर पे एक नोटिफिकेशन जाएगा और जिस जो यूपीआई आईडी आपने डाली है उस यूपीआई नंबर से जैसे ही आप क्लिक करके पेमेंट डन करोगे अपना यूपीआई नंबर डाल के वैसे ही इसमें पेमेंट डिपॉजिट हो जाएगी। हमने यूपीआई के थ्रू पेमेंट डन कर दी है, अब इसमें हमारा अमाउंट भी डिपॉजिट हो चुका है। अब बारी है बाय और सेल करने की। तो आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस 100 रुपीज़ इसमें मेरा शो कर रहा है। तो हमें बाय करना है डॉग कॉइन। आप जो भी बाय करना चाहें सेम प्रोसेस है, बाय पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डिपॉजिट कर जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है उसका 100% आप यूज़ करना चाहें 50% या 25% जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो यहाँ पे अमाउंट आप क्लिक करते हैं। जैसे मैं 100% यूज करना चाहता हूँ 100 रुपीज़ मैंने डॉग कॉइन पे बाय किया और ये मेरे डॉग कॉइन बाय हो चुके हैं। बहुत सिंपल है। इसी के साथ अब हम दूसरी प्रोसेस में हम इस करेंसी को सेल करने के बारे में आपको बताएंगे। इस करेंसी को सेल करने के आपको सबसे पहले सेल पे क्लिक करना है और जो भी करेंसी आपका जो करेंसी का जितना परसेंट है 25% 50% या 100% जो आप करना चाहें सेल उसको क्लिक करके प्रीव्यू सेल पे क्लिक करके सेल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे हम सेल नाउ पे क्लिक करेंगे हमारी करेंसी सोल्ड आउट हो जाएगी और देखिए देख सकते हैं आप करेंसी बाय और सेल दोनों प्रोसेस हम करके देख चुके हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि करेंसी को किस तरीके से जो इसमें पैसा विड्रॉल करने की प्रोसेस है वो प्रोसेस किस तरह से है और कैसे वो विड्रॉल होगा। पैसा विड्रॉल करने के लिए आपको विड्रॉल वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है और वहाँ पे जो आपने शुरुआत में अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे
आपके जीमेल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको डालना है। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करोगे आपका पैसा 5 मिनट में आपके अकाउंट पे पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी विड्रॉल वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।